हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको बताऊंगी, अपने दो दिखाऊंगी अडेनियम्स को कंपैरिजन करके कि कटिंग ग्रोन कैसे होते हैं और सीड ग्रोन कैसे होते हैं। तो ये मेरा एक सीड ग्रोन अडेनियम है और ये कटिंग लगाई थी मैंने आप लोगों के साथ ही, उनमें से है ये। तो इनमें फ़र्क क्या होता है ये दिखाना चाहती हूँ आपको मैं। अगर मेरे पास छोटा सा सीड ग्रोन होता ना तो मैं और अच्छी तरह समझा सकती थी कि सीड ग्रोन अडेनियम्स के जब सीड निकलते हैं और वो छोटा सा सीडलिंग होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसका नीचे कॉडेक्स मोटा होता है और आगे से मतलब ऐसी शेप होती है पौधे की, नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला, इस तरह से बचपन से ही उसकी शेप ऐसी होती है, उसका कॉडेक्स डेवलप होता है। लेकिन जब हम कटिंग ग्रोन लगाते हैं तो एज अ कटिंग, ये सिंपल कटिंग ग्रो कर रही है, इसमें नीचे कॉडेक्स नहीं होता है। इसको आप बहुत साल उगाएंगे, जैसे आपने 5-6 साल कटिंग्स को लगाए रखा और उसके बाद भी इसमें कॉडेक्स डेवलप नहीं होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसकी रूट्स नीचे से मोटी होंगी तो उन रूट्स को आप ऊपर उठा देंगे थोड़ी सी, तो वो जैसे जैसे रूट्स ऊपर उठाएंगे तो वो मोटी रूट्स नीचे से जो है वो ऐसा कॉडेक्स का शेप ले सकती हैं। वो प्रॉपर कॉडेक्स नहीं होता है, वो आपको ऐसा लगेगा खूब सारी शकरकंदियाँ एक साथ लगी हुई हैं, उनको आपने ऐसे ऊपर उठा दिया तो वो नीचे से मोटापन लगेगा, लेकिन वो भी 5-7-8 साल बाद। नया नया पौधा जब तक 5-7 साल तक आपका सिंपल ऐसी कटिंग्स ग्रो की हुई लगेंगी, उनमें कॉडेक्स नहीं होगा। और सीड ग्रोन में कॉडेक्स बहुत जल्दी डेवलप होता है, साथ के साथ ही जल्दी, क्या जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा ये चीज़ चौड़ी होती जाएगी, ऊपर से नई ब्रांचेस निकलती जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है सीड ग्रोन। और सीड ग्रोन में क्या होता है, जैसे आपने किसी ग्राफ्टेड का भी सीड लगाया तो ये एक साइंस है, इसकी हेरिडिटी की साइंस है। वो कहता है कि वो जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनमें जब क्रॉस होके सीड्स बनते हैं तो उनके हर सीड में से मदर प्लांट जैसे फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो जो सीड होता है तो उनमें चांसेस रहते हैं बहुत कम कि आप जैसा फूल आपने आपके पौधे में था हाइब्रिड वाले में वैसा, या ग्राफ्टेड वाले में वैसा ही फ्लावर आए, ये नहीं जरूरी होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या है, आपने जो कटिंग लगाई है वैसे फ्लावर्स आएंगे, ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपको कॉडेक्स लेना है तो सीड से ही है, और सीड वाला जो है वो 1-2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है, पौधा बड़ा होता है और 1 साल में फ्लावरिंग करने लगता है। ये भी फ्लावरिंग करेगा लेकिन इसकी स्टेम को थिक होने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बहुत टाइम लेगा आपको इस पौधे को मैच्योर लुक आने में, और इस पौधे का मैच्योर लुक जल्दी आता है जो सीड से उगाया जाता है। तो ये कुछ थोड़े से डिफरेंस थे जो मैंने, आप बाजार में भी जाएं तो आपको कई बार इतने मोटे से स्टेम का दे देते हैं वो, मैंने किसी के यहाँ देखा, उन्होंने अडेनियम खरीदा हुआ, नीचे से इतना मोटा था स्टेम उसका पूरा मतलब, तो वो कह रहे हैं ये देखिए हम लेके आए, तो मैंने कहा ये तो आप कटिंग ग्रोन ले आए। कटिंग ग्रोन में क्या है, नीचे का ऐसा चौड़ा नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक बस एक, चाहे वो स्टेम पुराना हो तो मोटा हो लेकिन वो यू शेप जो कॉडेक्स की आती है वो नहीं आएगी उसमें। तो आप जब लेने लगे तो आपको पता चल जाए कि ये हम कटिंग वाला ले रहे हैं या सीड ग्रोन ले रहे हैं, तो नेचुरली कटिंग ग्रोन की रेट जो है वो कम होगा। बाकी मार्केट में कटिंग ग्रोन कम बेचे जाते हैं लेकिन फिर भी आजकल सब चल पड़ा है कि कटिंग ग्रोन भी बेच देते हैं, तो उनमें कॉडेक्स नहीं मिले, ऐसी शेप नहीं आएगी, वो स्टेम भी होगा तो यूँ पता चल जाएगा आपको कि वो स्टेम है। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे कहना था। फूल इसमें भी आ जाएंगे वही 8-9 महीने में, इसमें साल से पहले नहीं आते हैं। देखिए गर्मी में बेचारे, इतनी गर्मी है अडेनियम की पत्तियां भी बर्न हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।